क्या राम के नाम पर सारा वोट बीजेपी को ही मिलने वाला है? क्या भगवान श्री राम सिर्फ बीजेपी के ही हैं? अगर नहीं तो फिर राम नाम से इंडिया विपक्ष के दूसरे दल दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्या उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है? राम नाम की शोभा यात्राओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और उन पर हमले क्यों हो रहे हैं? रामनवमी के मौके पर बंगाल से लेकर बेंगलुरु तक जमकर हंगामा हुआ। राम नाम को नो वाले नारे लगवाए गए, खुलेआम गुंडागर्दी हुई, शोभा यात्राओं पर पत्थर बम गोले चले। कल चुनाव है, 102 सीटों पर वोट पड़ने हैं। उससे ठीक पहले राम के नाम पर तनाव का एजेंडा आखिर कौन बना रहा है? इन तस्वीरों को वायरल क्यों किया जा रहा है? आइए आपको पूरी कहानी और इसका बैकग्राउंड समझाते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर बम से हमला, मेदिनीपुर में पत्थरबाजी, बेंगलुरु में जय श्री राम बोलने पर मारपीट, हैदराबाद में शोभा यात्रा को निकालने से रोकने की कोशिश। बीच चुनाव रामनवमी, एक धरा राम राम कर रहा है, राम के सम्मान की बात कर रहा है, राम से हिंदुस्तान को जोड़ रहा है, राम राज्य लाने का वादा कर रहा है, राम को पूरी दुनिया में ग्लोरीफाई कर रहा है, लेकिन दूसरा धरा राम की पहचान बदलने में जुटा है, राम और रामनवमी को दंगे से जोड़ रहा है, राम राज्य का कनेक्शन मॉब लिंचिंग से बता रहा है, राम के नाम पर एक वर्ग को डराया जा रहा है, हिंदुओं के आस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर पूरे देश में शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन बंगाल में राम भक्तों की शोभा यात्रा पर अचानक हमला बोल दिया गया। राम भक्तों पर हमले की खबर सबसे पहले मुर्शिदाबाद से आई, फिर रात होते होते मेदिनीपुर में पथराव हो गया। बम की आवाज, भागते लोग, आंसू गैस के गोले की शोर, यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सभी के हाथ में पत्थर और छत से सभी रामनवमी के जुलूस में शामिल राम भक्तों पर पत्थर चला रहे हैं। बीच बीच में बम फटने की आवाज भी सुनाई दे रही है। दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस वाले छत पर आंसू गैस के गोले दागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब दंगाई बम से दे रहे हैं। बंगाल में राम भक्तों पर हमले का ये वीडियो जैसे ही बाहर आया, कोलकाता से दिल्ली तक हंगामा मच गया। देखिए जिस तरीके की घटना घटी है, रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उकसाने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। शोभा यात्रा में सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही जुलूस मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में एक मस्जिद के पास पहुंची, पथराव शुरू हो गया, बम की आवाज सुनाई देने लगी। জিজ্ঞেস করে বিজেপি কমিশনকে রাম নবমীর আগের দিন, রাম নবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজিকে সরিয়ে দিলেন এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়াবেন
ডিআইজি কে চেঞ্জ করেছিল কেন? আগের দিন কোনো প্রয়োজন ছিল? কাল তো মুর্শিদাবাদে ইলেকশন নেই, যে লোকটা জেলাটাকে চিনত। শুনুন, এইসব জেলাগুলো খুব সেন্সিটিভ জেলা, আমাদের অনেক কষ্ট করে সামলাতে হয়, বিজেপির হাত থেকে দাঙ্গা ঢুকতে অনেক কষ্ট করতে হয়। मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूर्वी मेदिनीपुर में भी राम भक्तों पर हमला हुआ है। मेदिनीपुर के एगरा में सब कुछ शांति से चल रहा था। जुलूस एगरा के कॉलेज जंक्शन इलाके से गुजर रहा था। शोभा यात्रा खत्म ही होने वाली थी कि पथराव हो गया और पुलिस ने लाठी चार्ज कर जुलूस को खत्म करा दिया। इसके बाद पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर बहस हुई। पत्थरबाजी की खबर सुनकर मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी और पश्चिमी बर्धमान से विधायक अग्निमित्रा पॉल पुलिस स्टेशन पहुंच गए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने। একজন বিধায়িকা এসে কমপ্লেন দিচ্ছে নাই, পুলিশ অফিসার বলছে আমি কমপ্লেন নিতে পারবো না। কেন নিতে পারবে না? কেন নিতে পারবে না? FIR রিসিভ করুন। কারণটা কি? কারণটা কি? অগ্নিমিত্রা পল কা আরোপ হে কি শোভা যাত্রা পর হামলা করনে ওয়ালো কো না পকড় কর পুলিশ জুলুস মে শামিল রাম ভক্তো পর FIR দর্জ কর উনহে জেল ভেজ রহি হে। लेकिन जब पथराव करने वालों के खिलाफ अग्निमित्रा पॉल की शिकायत लेने से पुलिस ने मना कर दिया तो अग्निमित्रा पॉल सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। दीदी बंगाल में बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी ममता बनर्जी पर दंगाइयों को उकसाने का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मन से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिचिल करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका, आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री ताकि दंगा लगे, और इसी का विरोध करते हुए हम आज आए थे इधर हमारा FIR लॉन्च करने के लिए। IC नहीं था इधर, ड्यूटी ऑफिसर था। हम IC से बात किया, IC बोले ठीक है ड्यूटी ऑफिसर को दीजिए। हम बोला ड्यूटी ऑफिसर को बोल दीजिए आपको आने का जरूरत नहीं है, आप ड्यूटी में हैं, आप उनको बोल दीजिए। फोन रखने के बाद ड्यूटी ऑफिसर बोले नहीं हम तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। दोल बोल नहीं गए, आपने रामनवमी मिचिल करते गए अस्त्र नहीं आक्रमण करते आपके क्या बोले जे? बंगाल ही नहीं, एक और गैर बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में जय श्री राम बोलने पर हंगामा मच गया। जय श्री राम बोलने पर गाड़ी रोक कर धर्म विशेष के लोगों ने तीन हिंदू लड़कों को सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर कहने के लिए मजबूर भी किया। और ये सब कुछ हुआ रामनवमी के दिन साइंस सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु के सड़क पर। यह खबर बेंगलुरु में आग की तरह फैली और बीजेपी से लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने को घेर लिया। राम जन्मभूमि था, राम जन्म का नवमी था, हम सब लोग उसमें बिजी थे। जो हमारा साकर नगर का राहुल और तीन लड़कों को रास्ते में जाने के वक्त में वो जय श्री राम बोल रहे थे, उस वक्त में कोई कुछ मुस्लिम गुंडा लोग आके जय श्री राम मत बोलो अल्लाह को अकबर बोलो